कैपिटल बजटिंग के पार्ट फाइव में आज हम ट्रेडिशनल मेथड का सेकंड मेथड है बेलआउट मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेलआउट मेथड में कह सकते हैं कि पे बैक पीरियड की एक कमी थी। वो कमी ये थी कि पे बैक पीरियड में सॉल्वेंस वैल्यू पे ध्यान नहीं रखा गया था, यानी निस्तरण मूल्य पे ध्यान नहीं रखा गया था। इसी कमी को दूर करने के लिए बेलआउट मेथड का उद्गम हुआ या उसकी गणना की गई, ठीक है। जिसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट के कैलकुलेशन के लिए हम बेलआउट मेथड का यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्वेंस वैल्यू ऑफ द असेट इज कैलकुलेट ऑफ एवरी ईयर। इस मेथड में हम सॉल्वेंस वैल्यू का गणना करते हैं प्रत्येक साल, ठीक है। फर्स्ट मतलब कितनी होगी हर साल सॉल्वेंस वैल्यू उसकी। फिर हम बात करते हैं एवरी ईयर ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एवरी ईयर इनकम इज क्यूमुलेट एंड इन द सॉल्वेंस वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ दैट ईयर इज एडेड। यानी कि हम हर साल की इनकम को क्या करते हैं, संचय करते रहते हैं, क्यूमुलेट करते रहते हैं और सॉल्वेंस वैल्यू को क्या करेंगे उसमें ऐड करते रहेंगे। यानी पहले तो इनकम को हमने क्या बनाया, संचय बनाया, और फिर उस संचयी वाली इनकम में हमने सॉल्वेंस वैल्यू को ऐड किया। द ईयर इन विच द क्यूमुलेटिव इनकम एंड एडेड सॉल्वेंस वैल्यू बिकम इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड बेल आउट पे बैक पीरियड। यानी कि हमने इनकम जो संचयी इनकम थी हमारी उसमें सॉल्वेंस वैल्यू को हमने जब तक इक्वल जब तक ऐड करते रहे या जब तक उसको जोड़ते रहे जब तक कि वो हमारे विनियोग के बराबर नहीं आ जाता, और जब हमारे विनियोग के बराबर आ जाएगा तो उसे बेल आउट पे बैक पीरियड कहेंगे, राइट। ओवरऑल अगर हम बेलआउट मेथड की बात करें तो इस मेथड में एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है जिसे की वर्ड कहते हैं, वो है सॉल्वेंस वैल्यू, यानी निस्तरण मूल्य का ध्यान रखा गया। निस्तरण मूल्य यानी जैसे हम कह सकते हैं स्क्रैप वैल्यू, यानी जो अवशिष्ट होता है उसका हमने ध्यान रखा, किसमें, बेलआउट मेथड में, क्लियर है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कॉस्ट दे रखी है 60,000, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ दे रखी है 10 ईयर। उसके बाद में एनुअल नेट कैश इन फ्लो दे रखा है 10,000, यानी कि हमें एनुअल दे रखा है कैश इन फ्लो 10,000। तो हर साल हमें 10,000 का क्या हो रहा है, कैश इन फ्लो हमारे आ रहा है। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स तक, ठीक है। आगे सॉल्वेंस वैल्यू के बारे में क्या कह रहा है कि सॉल्वेंस वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 40,000, यानी कि जो सॉल्वेंस वैल्यू है वो पहले साल के अंत तक कितनी है, 40,000। एनुअल डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इज 5,000। फाइंड आउट बेल आउट पीरियड मेथड। देखिए पहले साल तो ये कह रहा है कि 40,000 हमारा सॉल्वेंस वैल्यू था, फिर वो कह रहा है कि एनुअल डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, यानी ये जो 40,000 है वो सेकेंड ईयर से 5,000 से कम होता जाएगा आपका सॉल्वेंस वैल्यू, ठीक है, और हमें बेल आउट मेथड कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई है, ठीक है, कैलकुलेट ऑफ बेल आउट पे बैक पीरियड, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहला कॉस्ट लिख दिया, कॉस्ट हमारी कितनी थी एग्जांपल में 60,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60,000। फिर हमने टेबल बनाई, उस टेबल में हमने 5 कॉलम बनाए। फर्स्ट बनाए ईयर का, सेकेंड बनाए एनुअल कैश इनफ्लो का, थर्ड कॉलम है हमारा क्यूमुलेटिव टेबल का, फोर्थ है सॉल्वेंस वैल्यू का, और 5 है टोटल का। देखिए हमने फर्स्ट ईयर लिखा 10,000 हमारा कैश इनफ्लो आ रहा है, ठीक है, तो 10 यहाँ पे संचयी कितना होगा, 10,000 ही होगा, क्योंकि इसमें ऐड नहीं करेंगे फर्स्ट ईयर में। सॉल्वेंस वैल्यू पहले साल का क्वेश्चन में दे रखा था 40,000, एज इट इज़ लिख देंगे। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, 10,000 को और 40,000 को, तो यहाँ टोटल कितना आया, 50,000। जैसा कि हमने थ्योरी में कहा था, क्या कहा था कि जब कैश इनफ्लो क्यूमुलेटिव को हमने सॉल्वेंस वैल्यू में ऐड किया, 50,000 आपका आया। उसके बाद में सेकेंड ईयर में भी कैश इनफ्लो कितना होगा, 10,000, क्योंकि हर साल 10,000 का हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा सीएफ का, आपका क्यूमुलेटिव टेबल कितना बनेगा, 10,000 तो पहले का दे रखा है, 10,000 ये वाला, तो हमने इसको ऐड किया, तो कितना आ गया, 20,000 सेकेंड ईयर में। सॉल्वेंस वैल्यू पहले साल का 40,000 था, अब हमारा 35 हो गया, क्योंकि सेकेंड ईयर में 5,000 से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे 35,000 आया, ठीक है। तो हमने 35,000 को और 20,000 को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें कितना आया, 55,000। अब भी हमारी जो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट के बराबर नहीं आ रहा है, कॉस्ट हमारी कितनी थी, 60,000। तो हमने फिर थर्ड ईयर को लिया, थर्ड ईयर में हमारा कैश इन फ्लो कितना आया है, 10,000, और हमारा क्यूमुलेटिव ट्रैवल कितना हुआ,
30,000 कैसे आया 30,000 कि 20,000 तो पहले का और 10,000 इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा गया 30,000 राइट। 30,000 के बाद में सॉल्वेंस वैल्यू फिर 5,000 से लेस हो गई, यानी 35 थी, अब उसमें फिर 5,000 को लेस किया तो 30,000। अब 30,000 ये हमारा सॉल्वेंस वैल्यू है थर्ड ईयर का, और हमारा जो कम्युलेटिव इनकम है वो कितना है 30,000। इन इस 30,000 को और इस 30,000 को हमने ऐड किया तो ये 60,000, यानी तीसरे साल आपका ये इक्वल हो जाता है कॉस्ट के बराबर। तो हम कह सकते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट द बेल आउट पीरियड इज 3 ईयर। तो हमारा जो बेल आउट पीरियड कितना रहेगा, थर्ड ईयर रहेगा, यानी तीसरा साल। आर यू क्लियर? इस मेथड में सबसे मेन जो पॉइंट है वो है सॉल्वेंस वैल्यू पे फोकस किया गया। सबसे ज़्यादा जहाँ जोखिम की मात्रा अधिक थी वहाँ पे इस मेथड को ज़्यादा ध्यान में रखा गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होगी, रिस्क की मात्रा अधिक होगी, इस विधि में हमने अधिक निर्णय ले सकते हैं उस मेथड को यूज़ करके, इस मेथड को, ठीक है। इस मेथड को हमने क्या किया है कि जो भी कैश इन फ्लो आपका आता है उसमें हमने सॉल्वेंस क्यूमुलेटिव बनाया, सेकंड टेबल बनाई, उसके बाद में संचय बनाने के बाद में हमने इसमें सॉल्वेंस वैल्यू ऐड करते रहेंगे, और फिर जो हमारा नया आएगा टोटल वो हमने क्या आया, वो टोटल हमारी तब तक हम कर दिए कैलकुलेशन करेंगे जब तक वो कॉस्ट के इक्वल नहीं आ जाता। जैसे कि ये 60,000 आ गया और हमारी कॉस्ट भी कितनी थी क्वेश्चन में 60,000, तो ये 60,000 इक्वल आ गए, इसलिए थर्ड ईयर ये इसका आंसर रहेगा बेल आउट मेथड का। क्लियर है आपको? नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड जो हम बात करेंगे आज उसकी, वो है हमारा पोस्ट, ये भी ट्रेडिशनल मेथड का पार्ट है, पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब हो गया पूर्ण भुगतान अवधि के पश्चात लाभदायकता की गणना। देखिए, हमने फर्स्ट मेथड किया था पे बैक पीरियड का, पे बैक पीरियड, और उस मेथड में हमने देखा कि जो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट कम समय में हमें रिटर्न करता है उसको हमने सेलेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट को। इस मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी या सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस मेथड ने लाभदायकता पे ध्यान नहीं दिया। किस पे ध्यान नहीं दिया? प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया। इस पे बैक पीरियड में जब लाभदायकता पे ध्यान नहीं देने की वजह से एक नए मेथड का जन्म हुआ, उसे कहते हैं पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी पूर्ण भुगतान अवधि के पश्चात की लाभदायकता। आर यू क्लियर? इसके फॉर्मूले दे रखे हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका टोटल कैश इन फ्लो लाइफ माइनस इनिशियल कॉस्ट, यानी जो भी आपका कैश इन फ्लो होगा टोटल उसमें से हमने इनिशियल कॉस्ट को लेस करना है तो प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। या फिर हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई किए जाएंगे क्वेश्चन में जो आपको दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये अप्लाई किया जाएगा। देखिए, एनुअल कैश इन फ्लो मल्टीप्लाई टोटल लाइफ माइनस पी बी पी, यानी पे बैक पीरियड, क्या होगा इसका फुल फॉर्म, पे बैक पीरियड। क्लियर है आपको? चलिए, फॉर्मूले आपको दो फार्मूले हैं इसमें, और इसको हम एक बार एग्जांपल से सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें दो मशीन के लिए प्रपोजल आए, ए और बी मशीन के लिए। क्लियर है आपको? ए और बी के लिए प्रपोजल आए हैं। कॉस्ट दे रखी है 60,000। कितनी दे रखी है कॉस्ट? 60,000। हमने एक यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं 5 साल के टाइम पीरियड दे रखा है, 1 से 5 ईयर्स तक। कैश इन फ्लो दे रखी है अलग अलग ए और बी की। देखिए, ए की कितनी दे रखी है, ए की 20,000, फिर 20, 20, 20, यानी कि ये सब कॉमन है कैश इन फ्लो, आपने पे बैक पीरियड पी किया था आपने, ठीक है। फिर आपने देखा कि यहाँ पे कैश इन फ्लो, देखिए बी की क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, यहाँ पे तो ए की सारी कॉमन है 20,000, बी में आ रही है 10,000, 15, फिर 25, 30, फिर 30, ठीक है। और हमें कैलकुलेशन करनी है दो मेथड का, पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन करनी है, साथ ही पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी पीरियड की भी हमें चेक करना है। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 60,000। 60,000 क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट, तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख दिया 60,000। फिर हमने आंसर के लिए क्या किया, 5 ईयर्स, ये ईयर का कॉलम बनाए जहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स का दे रखा है, 5 ईयर्स लिख दिया। मशीन ए और मशीन बी के लिए हमने दो दो कॉलम बनाए हैं। मशीन ए में एक कॉलम होगा कैश इन फ्लो का, सेकेंड कॉलम होगा क्यूमुलेटिव टेबल का, क्योंकि हमें पे बैक पीरियड भी कैलकुलेट करना है।
फिर बी के लिए भी हमने कैश इन फ्लो बनाया, फिर क्यूमुलेटिव टेबल का कॉलम बनाया। क्लियर है आपको? अच्छा, अब आपके को दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब यहाँ पे 20,000 कॉमन है तो हमारे लिए इसका क्यूमुलेटिव टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं थी पे बैक पीरियड में, क्योंकि पे बैक पीरियड का हमें पता है कि जब कैश इन फ्लो जब इक्वल होता है तब हमारा फार्मूला क्या लगेगा, सी अपॉन आर का, सी अपॉन आर यानी कॉस्ट अपॉन रिटर्न का। लेकिन यहाँ पे हमने ये क्यों बनाई है, क्योंकि हमें साथ में एक कैलकुलेशन और करनी है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड की, तो उसी लिए हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव टेबल बनाई है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले कैश इन फ्लो हमने ये बनाया, यहाँ पे 20 20 20 20 का बनाया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव टेबल बनाई। देखिए, क्यूमुलेटिव टेबल से भी आंसर वही आएगा जो आपका सी अपॉन आर आएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपने 20,000 पहले ईयर में आपका सी एफ में क्या आएगा, 20,000, सेकेंड ईयर में फिर 20,000 आया, तो हमने 20 20 को जोड़ा तो ये 40, यानी आपको क्या बनानी है, संचयी टेबल बनानी है। क्लियर है आपको? फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि फिर 20 और 40 को जोड़ा तो 60, फिर 60 और 20 को जोड़ा तो 80, और 80 और 20 को जोड़ा तो 1 लाख आया। क्लियर है आपको? उसके बाद में हमने यहाँ पे भी वही टेबल बनाई, पहले साल में तो वही कॉमन रहेगा 10,000, फिर 10,000 में 15,000 को ऐड किया 25,000, 25 में 25 को 1,000 को ऐड किया तो 50,000, 50,000 में 30,000 ऐड किया तो 80,000, और 80,000 में 30,000 को ऐड किया तो 1,10,000 आया, ठीक है। अब पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? पे बैक पीरियड में आपको याद होगा कि हमने दो मेथड फॉलो किया था, एक था जब कैश इन फ्लो एक जैसा हो, और एक था मेथड हमारा कैश इन फ्लो एक जैसा नहीं हो। तो देखिए, हमारा जब मेथड एक जैसा हो, यानी जब हमारा कैश इन फ्लो एक जैसा आए, यानी हमारा जो आर है रिटर्न था वो एक हो, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या था, 20,000 कॉमन था, सारे में कॉमन 20,000 है, तो हमारा जो ए मशीन के लिए फार्मूला क्या होगा, सी अपॉन आर। सी कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 60,000, और आर कितना दे रखा है, 20,000, क्योंकि 20,000 कॉमन है तो हमने 20,000 को लिख दिया। अब हमने इसे एक सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, 3 ईयर्स, कितना आया, 3 ईयर्स। क्लियर है आपको? अब हमें पोस्ट बैक पीरियड निकालना होगा ए का, तो पोस्ट बैक पीरियड के लिए हमने एक फार्मूला अप्लाई किया था, टोटल कैश इन फ्लो इन लाइफ, यानी टोटल आपको कैश इन फ्लो कितना हो रहा है लाइफ में, वो हमें क्यूमुलेटिव टेबल में जो हमने सॉल्व किया था वहाँ आपको पता चलेगा। तो आपने देखा होगा कि जब हमने सॉल्व किया तो आपको देखिए लास्ट में कितना आया, 5 ईयर में 1 लाख आया। टोटल कैश इन फ्लो कितना होगा आपका पूरे 5 साल का, 1 लाख, तो हमने यहाँ लिखा 1 लाख। कॉस्ट कितनी दे रखी है आपके क्वेश्चन में, कॉमन है एक्स और सॉरी ए और बी मशीन के लिए तो 60,000 थी, तो हमने इस फॉर्मूले में प्रॉफिटेबिलिटी में जो हमने क्या किया, इनिशियल कॉस्ट कितनी है, 60,000। टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ ये 1 लाख हमने कहाँ देखा, क्यूमुलेटिव टेबल में आपको दिखेगा 1 लाख। 60,000 आपका क्वेश्चन में दे रखा है, जब हमने 1 लाख माइनस 60,000 किया तो 40,000 आया, यानी मशीन ए को पे बैक पीरियड से तो 3 ईयर्स मिल रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी में कितना मिल रहा है, 40,000। क्लियर है आपको? मशीन बी की बात करते हैं। मशीन बी में देखिए, मशीन बी में आपने देखा होगा कि कैश इन फ्लो क्या है हमारा, डिफरेंट है। कैश इन फ्लो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। और जब हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव टेबल बनाई तो बनाने बाद भी हमें 60,000 यहाँ नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको पे बैक पीरियड में एक चीज़ बताई थी जिसके लिए एक फार्मूला अप्लाई होता है, आपका 60,000 किन के बीच में, 50,000 और 80,000 के बीच में है। कहाँ है आपका 60,000, और आपका ये 60,000 कहाँ है, 50 और 80 के बीच में है। तो हमने उसके लिए एक फार्मूला अप्लाई किया था। देखिए, आपका जो ये 60,000 है ये 50,000 के बाद का है, तो यानी 50,000 तक तो यानी इसके बीच में आ रहा है, 50 और 80 के बीच में आ रहा है, यानी 3 साल के कुछ महीनों, 3 साल तो है ये और कुछ महीनों के बाद आपको रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, हमने उस फॉर्मूले किया था कि जहां आपका 50,000 तक तो है, देखिए इसको समझने के लिए देखिए, 50 और 80 के बीच में आपका क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा है 60,000। तो यहाँ हम देखेंगे कि यानी 3 साल तो पूरे के पूरे लगेंगे और कुछ महीने, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में, तो 3 साल तो पूरे, तो 3 साल को हमने यहाँ लिखा, ठीक है। फिर हमने वहाँ पे क्या अप्लाई किया था पे बैक पीरियड में, जिसमें हमने किया था कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 60,000, माइनस क्या किया था, माइनस किया था 50,000 जो आपके कॉस्ट से कम है, याद रखिएगा ये वाला, ठीक है, 50,000, और अपॉन करेंगे 30,000, अपॉन क्या करेंगे, जो ज़्यादा आपकी क्यूमुलेटिव है उसके सामने वाला, यानी जो 30,000, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 और यहाँ पे 10,000
और यहाँ पे 30,000, तो बस इसको करिए, थ्री ये आ जाएगा 3/ईयर्स। क्लियर है आपको? ठीक है, और यही सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ करके दिया है कि पे बैक पीरियड में 3 कहाँ से आया, क्योंकि हमारा 3 कहाँ पे आया, क्योंकि हमने देखा कि पे बैक पीरियड में हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 60,000 आपको इस टेबल में मिलना चाहिए। जैसे देखिए मशीन ए का तो मिल रहा है, और मशीन ए का हमने सी अपॉन आर करके भी सॉल्व किया, और हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 3 ईयर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉस्ट क्वेश्चन में जो कॉस्ट 60,000 आपका दे रखा था वो हमें बिल्कुल यहाँ टेबल में दिख रहा है। लेकिन ये 60,000 हमें नहीं यहाँ पे मिल रहा है बी मशीन में। बी मशीन में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये 50 और 80 के बीच में है 60,000 हमारा। तो हमने उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा था कि हमने क्या लिखा, 3 ईयर से कुछ ऊपर मंथ है आपके तब आपको रिटर्न मिलेगा। तो 3 ईयर्स लिखा, 3 + 60,000 आपका जो कॉस्ट है उसको लिख दिया, -50,000 जो आपका कम होगा कॉस्ट से, ध्यान रखिएगा 50,000 ये, अपॉन इसके सामने जो बड़ी अमाउंट है आपकी 80,000, उसके सामने क्या है आपका कैश इन फ्लो 30,000, ये हमने लिख दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बता रहा है कि 3 साल तो पूरे, और अपॉन 1/3 यानी कि 3.333 ईयर्स आपके इसमें पे बैक पीरियड आंसर आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी का वही फार्मूला, टोटल कैश इन फ्लो अपॉन माइनस इनिशियल कॉस्ट। तो टोटल कैश इन फ्लो बी मशीन का कितना आ रहा है, 1,10,000। बी मशीन का कितना आ रहा है, 1,10,000। इसको हमने निकाल रखा था, तो यहाँ पे हमने लिखा 1,10,000। कॉमन दे रखी है कॉस्ट ए और बी की, तो 60,000 माइनस किया 50,000। तो देखिए ए मशीन का कितना आ रहा है 40,000, और बी मशीन का कितना आ रहा है 50,000, जबकि ए मशीन का ईयर कितना आ रहा था 3 ईयर्स, बी मशीन का ईयर कितना आ रहा था 1/3 ईयर्स यानी 3 ईयर्स से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ हमें एक आंसर नॉट के रूप में देना होगा, वो आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देना है। क्या देना है कि पे बैक पीरियड ऑफ मशीन ए इज़ शॉर्टर, यानी कि पे बैक पीरियड में जब हम आंसर निकालते हैं तो ए का कम आता है, ए का कितना आ रहा था 3, और बी का कितना आ रहा था 3/1/3 यानी 3 से ज़्यादा। ठीक है, आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3.33 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पे बैक पीरियड मशीन ए का 3 साल है, जबकि ये जो बी की बात करें तो 3 यानी 3 और 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर चुने तो पे बैक पीरियड में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सबसे कम टाइम पीरियड होगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे मशीन ए को हमने पे बैक पीरियड में चुनेंगे। क्यों हमने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है, 3 साल ही है, और इसका 3 साल से ऊपर है, तो हमारा पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग ए मशीन ज़्यादा अच्छी है। बात करें हम पोस्ट बैक प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी में ध्यान रखिएगा, इसका लाभ आया था 50,000 का, और इसका लाभ कितना आया था 40,000 का। तो प्रॉफिटेबिलिटी में हम बात करें लाभ, तो लाभ में कौन होगा कि मशीन ए इज़ मोर देन बी, सॉरी मशीन बी इज़ मोर देन मशीन ए, यानी कि बी का ज़्यादा आया किसके कंपैरिजन में, ए के। तो हम सेलेक्ट किसको करेंगे, बी को, यानी कि इस क्वेश्चन में पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग तो ए सेलेक्ट हो रहा है, जबकि पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो सेलेक्ट हो रहा है वो कौन हो रहा है, बी हो रहा है। राइट, तो हमने आज यहाँ पे आपको तीनों मेथड वापस रिवाइज कर दिया, आपको पे बैक पीरियड भी आपको सॉल्व किया, बेल आउट मेथड भी आपको सॉल्व किया, और साथ ही हमने पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड को भी सॉल्व किया। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट मेथड है ए आर आर वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।